हेलो ब्रिवन, मैं अमन गिरी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कम्पीट एंड कैक पे स्वागत करता हूँ। UPSC पेट एग्ज़ाम के लिए जो हमारा टारगेट सीरीज चल रहा है, जो कि टोटल 20 डेज से चलेगा, आज इसका डे टू है। तो मैं कल के लिए आपको टारगेट दूंगा। उम्मीद करता हूँ मैंने कल यानी कि फर्स्ट डे के लिए जो टारगेट दिया था उसे आपने कवर कर लिया होगा। उससे रिलेटेड मैं आपसे 5 क्वेश्चन भी पूछूंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा। और ऐसा देश पहले बता दीजिएगा कि आपने उस टारगेट को कवर किया या नहीं किया। ठीक है, डेली वाइज आपको टारगेट को कवर करना है ताकि आप पेट एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर सकें। मैं ये नहीं कहूँगा कि 85 प्लस स्कोर करें, मैं बस चाहता हूँ आप इतना स्कोर कर सकें कि पेट के एग्ज़ाम से जो 23 वाला एग्ज़ाम होगा उससे आपका जितने भी फॉर्म आए उसके लिए आप शॉर्टलिस्ट होने के लिए आपको सोचना पड़े, आपको उतने मार्क्स पेट के एग्ज़ाम में लेके आने हैं। कल जो हमने टारगेट दिया था हम उसको देख लेते हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो हमने टारगेट ये दिया था आपको, हिस्ट्री से ये था, ये पॉलिटिक्स था, ये आपके स्टडी जीके था, ये आपका करंट अफेयर्स था। ठीक है, ये आपके कल के टारगेट थे। ठीक है, आज के टारगेट होंगे उसे भी हम देखेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल भी दिए जा रहे हैं। हमारा पेड कोर्स तो चलता ही है, ठीक है, वो अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको इस ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल भी दिए जाते हैं जो पेड के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज टारगेट को देखते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि कल की वीडियो में मैंने देखा लाइक्स जो हैं बहुत ही कम थे, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में कम से कम 50 लाइक्स तो होंगे ही होंगे। ठीक है, आपने लाइक बहुत कम किया, व्यू कम आता है उस समझ में आता है कि हाँ 300 व्यू के आसपास आए, ठीक है वो ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं है, बट लाइक्स की संख्या में कमी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम कल का जो टारगेट दिए थे उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आपसे पूछ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो रहेगा हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता से रहेगा। इसका पहला प्रश्न ये है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में ये देखा गया है कि जो घरों के दरवाजे थे ये मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते थे। जी हाँ, जो घरों के दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते थे, लेकिन एक ऐसा नगर था जिसका दरवाजा जो है मुख्य सड़क की तरफ खुलता था। आपको उस नगर का नाम बताना है, ये पहला सवाल है हमारा। ठीक है, ऐसे ही हमारा सेकेंड सवाल भी है आपका, सिंधु घाट की सभ्यता से ही रहेगा। ठीक है, इसमें आप ये बताइएगा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि सिंधु घाट की सभ्यता का समकालीन था, इन्होंने सिंधु घाट की सभ्यता को किस नाम से पुकारा है, यानी किस नाम से इन्होंने वर्णित किया है सिंधु घाट की सभ्यता को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वैदिक संस्कृति से रहेगा। वैदिक संस्कृति से हमारा क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है कि वैदिक काल में जो राज सूय यज्ञ हुआ करता था, ठीक है, ये किसके लिए होता था, ठीक है, क्या उद्देश्य था इस यज्ञ का। ठीक है, साथ ही साथ एक और क्वेश्चन अगर आप चाहें तो बता सकते हैं कि जो इस समय के अधिकारी थे, ठीक है, उनको किस नाम से पुकारा जाता था, क्या नाम उन लोगों को दिया जाता था। ठीक है, ये वैदिक संस्कृति से हमारा क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चंस 5 से ज़्यादा हो रहे हैं इसके लिए माफ़ कीजिएगा। ठीक है, एक यहाँ बताइएगा आप लोग, या इसमें भाग से क्वेश्चन आएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा कि भाग 15 किससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा आपका पड़ोसी देशों से, भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो सबसे छोटी सीमा बनाता है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी हो जाएगा। सबसे छोटी सीमा जो है अफगानिस्तान बनाता है, इसकी जानकारी आपको होगी। आपको बताना ये है कि अफगानिस्तान भारत के साथ कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है। ठीक है, आजकल आप देख रहे होंगे कि UPSC जो है अपने क्वेश्चंस को घुमा के पूछता है, तो कुछ ऐसा ही है कि अफगानिस्तान सबसे छोटा बनाता है, कितने किलोमीटर बनाता है ये आपको बताना है। ठीक है, बाकी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है मैं आपको ग्रुप में पूछ लूँगा पोल के माध्यम से, तो आप लोग इसका आंसर दे दीजिएगा। चलिए हम आज के टारगेट को देखते हैं कि आज आपके लिए टारगेट क्या है। मैं याद दिला दूँ, जो आज आपको टारगेट दिया जाएगा ये कल आपको पूरा करना रहेगा, कल यानी कि 4 अक्टूबर को। ठीक है, टारगेट रोज़ शाम को 6 बजे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो आप लोग 6 बजे आपके चैनल विजिट कर सकते हैं, टारगेट आपको मिल जाएगा। और हाँ, लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करने से फ़ायदा ये होगा कि आप उनके साथ टारगेट को लेंगे, ठीक है, और एक साथ चीज़ों को कवर करेंगे जिससे आप डिस्कशन भी कर सकते हैं। हालांकि पेड ग्रुप में हम डिस्कशन भी करवा रहे हैं, जैसे आज रात 10 बजे
वीसी ऑन करके प्लस क्विज के माध्यम से हम जो है वहाँ पर डिस्कशन भी करवाते हैं, जिसकी फीस जो है 90 रुपये है। आपको सारे PDF जो है वहाँ पर मिल जाते हैं, प्लस कुछ क्लासेस भी वहाँ पर आपको मिल जाती हैं। अगर आपको ज्वाइन करना हो तो टेलीग्राम ग्रुप से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो। चलिए टारगेट को देखते हैं। टारगेट देने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही फायदे का सौदा होगा, ठीक है। तो आज हमारा डे टू है और हमारा जो पहला टॉपिक है ये आपका हिस्ट्री से है, क्योंकि हमने अभी हिस्ट्री एंड पॉलिटी को लेकर चल रहे हैं। तो वह जो पहला है यहाँ पे बौद्ध धर्म है, ठीक है। तो आपको बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है, गौतम बुद्ध की जीवनी पढ़नी है, ठीक है। गौतम बुद्ध की पूरी जीवनी, उनका नाम, उनके परिवार में कौन कौन से लोग थे, माता पिता इन लोगों के नाम, उनकी जो मौसी थी, ठीक है, उनका नाम, प्लस इन्होंने कैसे गृह त्याग किया, ठीक है, क्या परिस्थितियाँ थी उस समय की गृह त्याग, ठीक है, गृह त्याग को क्या कहते हैं, प्लस जब ये वन गए, ठीक है, प्लस सारनाथ गए, ठीक है। तो इनकी जो यात्राओं का वर्णन है इसको आप लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ बौद्ध धर्म में कई सारी बौद्ध समितियाँ हुई जो कि बुद्ध के मौत के बाद हुआ, मृत्यु के बाद हुआ, ठीक है, जीवन निर्माण के बाद हुआ, ठीक है। उसके बारे में आपको पढ़ना है कि जो समितियाँ हैं किस राजा के काल में हुई थी, कब हुई थी, ठीक है, और उसका अध्यक्ष कौन था, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपको माफ़ कीजिएगा, लुसेंट की बुक में मिल जाएगा, प्लस हमारे नोट्स में भी आपको ये अच्छे से मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग इसको कवर कीजिएगा बौद्ध धर्म के अंतर्गत, ठीक है। तो मेनली क्या क्या पढ़ना है आपको, जीवन पढ़ना है इनका, ठीक है, जीवन परिचय, फिर इनके जो यात्राएं थी, ठीक है, यात्राओं के बारे में, और फिर जो बौद्ध धर्म के जो आपके क्या समितियाँ हुई थी उनके बारे में आपको पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। तो मेनली आपको इस चीज़ को बौद्ध धर्म में पढ़ना है। सेम चीज़ें आपको जैन धर्म में भी करनी है, महावीर के बारे में, महावीर की जीवनी, ठीक है, और जैन धर्म का इससे पहले कौन कौन से आपके रहे थे हेड, ठीक है, उनके बारे में, प्लस इनकी समितियाँ कहाँ हुई थी। जी हाँ, जैन धर्म की भी समितियाँ हुई थी, इसके बारे में कई सारे बुक्स में नहीं लिखा होता, लेकिन आप उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, वो भी आपके पेट एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे आपको सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना है जो कि आपका मौर्य वंश है। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे यहाँ टॉपिक दिया हुआ है, सेम यही टॉपिक दिया आपका पेट में, मौर्य वंश, सम्राट अशोक। तो आपको यहाँ पे मौर्य वंश में केवल सम्राट अशोक के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। चूँकि मौर्य वंश दिया है इसलिए आप थोड़ा सा मौर्य वंश का परिचय जानते रहिएगा कि कौन राजा पहले थे, कौन राजा बाद में थे, लेकिन मेनली आपको टारगेट करना है सम्राट अशोक को, और सम्राट अशोक का जीवनी पढ़िएगा, ठीक है। हालांकि जरा चीज़ आपको मिलेंगे नहीं उनके जीवनी के बारे में, इनके युद्ध पढ़िएगा, ठीक है, कैसे ये राजा बने, कैसा कौन सा युद्ध किया, कलिंग युद्ध कब किया, अपने शासन के किस वर्ष में किया कलिंग का युद्ध, ठीक है, और कलिंग के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म, जब बौद्ध धर्म से जुड़े थे तो किन्होंने इसकी प्रेरणा दी, ठीक है, किन्होंने इन्हें जोड़ा, ये दो लोग हैं, ठीक है, प्रेरणा इन्हें किसी और से मिली थी और इन्हें दीक्षा देने वाले दूसरे व्यक्ति थे, इसके बारे में आप लोग देखिएगा, ठीक है। प्लस इनकी जो पुत्रियाँ थीं, पुत्र और पुत्री थे, ठीक है, संगमित्रा, ठीक है, इनकी यात्राओं के बारे में देखिएगा कि श्रीलंका गए हुए थे, ठीक है, और इन्होंने जो शिलालेख लिखवाया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका वहाँ है, जो शिलालेख लिखवाया इन्होंने, ठीक है, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, इसके बारे में आप लोग पढ़िएगा, और जो 14 शिलालेख इनके हैं उनको याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं किस शिलालेख में इन्होंने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और हाँ, एक बात मैं बता दूँ, जो शिलालेख 14 की बात होती है तो ऐसा नहीं है कि 14 जगहों पर आई, ठीक है, ये एक ही शिलालेख में जो है, एक ही शिलालेख में 14 पंक्तियाँ लिखी गई हैं, 14 चीज़ें लिखी गई हैं, उनको ही हम लोग कहते हैं कि 14 शिलालेख है, उसी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जो है नंबरिंग की गई रहती है, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका पॉलिटी से, पॉलिटी में आपको पढ़ना है संविधान की विशेषताएं, ठीक है। तो आपको जो भारत की संविधान है इसकी विशेषताएं पढ़नी है और इसका आपको गहन अध्ययन करना है, क्योंकि यहाँ से पेट के एग्जाम में बहुत ही घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो ये आप कहाँ से कर सकते हैं, तो इसका सबसे अच्छा सोर्स तो मेरे अनुसार गूगल है, ठीक है, आप गूगल करिएगा भारतीय संविधान की विशेषताएं, बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा कि भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। दूसरा सोर्स है आपका यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब पे किसी का भी 30-40 मिनट का जो वीडियो हो, ठीक है, देख लीजिएगा, आपके लिए मोर देन सफिशियंट रहेगा, ठीक है। बाकी मैं कल क्वेश्चन इससे पूछूंगा, आप लोग सब समझ जाएंगे कि आपको जानकारी हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत राज्य के
नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जिनका वर्णन आपको संविधान में मिल जाएगा, तो इसका एक एक अनुच्छेद, जी हाँ एक एक अनुच्छेद आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि कुछ अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपकी कोशिश होनी चाहिए कि इस समय आप सभी अनुच्छेदों को पढ़ लें। अभी आपके पास टाइम है, ज़रा पढ़ना भी नहीं है, ठीक है, तो आप एक एक अनुच्छेदों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और कुछ अनुच्छेद जो आपको भी लगे बहुत ही महत्वपूर्ण है उनको ध्यान से पढ़िएगा। बाकी कल मैं कोशिश पूछूंगा तो कोशिश करूंगा कि सारे अनुच्छेद आपको बता दूं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट है आपका, सेकेंड लास्ट है दिवस, आपके सिलेबस में ये स्टडी जीके का पार्ट है, ठीक है, स्टडी जीके में आपका दिया हुआ है भारतीय दिवस और एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ऐसा करके दिया हुआ है सिलेबस में, ठीक है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है, तो इसको आपको पढ़ना है और इसमें 12 महीने के पढ़ना अभी आपके लिए पॉसिबल मुझे लगता है नहीं होगा, ठीक है, आप 6 महीने के पढ़िएगा जैन से लेके जून तक का, ठीक है। और कैसे पढ़ना है तो इसका सोर्स पहले सुन लीजिए, सोर्स बहुत ध्यान सुनिएगा। पहला सोर्स है आपका लुसेंट की बुक, ठीक है, लुसेंट की बुक में जितना दिया हुआ है उतना आपको पढ़ना है, लेकिन मैं फिर से बताऊँ लुसेंट की बुक इसके लिए पूर्णतः सही नहीं होगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उससे आपका एग्ज़ाम में ना भिड़े, क्योंकि एग्ज़ाम में अब क्वेश्चंस जो है दिवस से जो है वो ज़रा हट के पूछता है, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस हैं आपके जो डे टू डेट करंट अफेयर्स होते हैं वहाँ से पूछते हैं, तो आप लोग इसके लिए कीजिएगा गूगल पे सर्च कीजिएगा जनवरी महीने के करंट अफेयर्स, माफ कीजिएगा जनवरी महीने के इम्पॉर्टेंट दिवस, ठीक है, आप इसको सर्च कीजिएगा, आपके पास लगभग 15-16 दिवस आ जाएंगे, ठीक है, उनको आप लोग याद कर लीजिएगा। इस तरह से आप मंथली जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तक का याद कर लीजिएगा। हालांकि ये भी मैंने अपने पेड कोर्स में प्रोवाइड कर दिया है, अगर आप उसके मेंबर्स हैं तो आप उसको जो वहाँ से पढ़ सकते हैं, मैंने लगभग हर एक दिवस को कवर किया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ गूगल से करने के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने देखा था कि कुछ क्वेश्चंस दिवस से जो है ऐसे दिए थे जो नॉर्मल बुक्स में नहीं दिए रहते, ठीक है, जैसे गौरव दिवस, शांति दिवस, माफ कीजिएगा हैप्पीनेस डेज, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे हुए थे। लास्ट है आपका करंट अफेयर्स से, हमने कल 1 से 15 अगस्त तक का करंट अफेयर्स बोला था पढ़ने के लिए, आज आपको 15 से 30 अगस्त का करंट अफेयर्स पढ़ना है। इसका सोर्स क्या है, स्पीडी की बुक है, ठीक है, आप स्पीडी की बुक से इसको कवर कर लीजिएगा। बाकी मैं कोशिश करूँगा स्पीडी की बुक का इस डेट के बीच का करंट अफेयर्स जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूँ। आपके लिए टारगेट बनाना बहुत ही आसान काम नहीं होता है, ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा बहुत आसान है, क्योंकि टारगेट बनाने के लिए मुझे खुद इतना पढ़ना पड़ता है ताकि मैं सोच सकूँ कि हाँ इतना आप पढ़ सकते हैं एक दिन में या नहीं पढ़ सकते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइक की संख्या 50+ होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसी साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं, और हाँ पेड कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप 6307975839 पर कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं कल के टारगेट में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।